अब तो कितने वजीर खजाना है, हर हुकूमत के साथ कोई दो चार नए वजीर खजाना आते हैं। अब ये बैंक की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गए, आपकी किसी पॉलिसी में से ये हिस्सा नहीं ले सकते। इन गरीबों का क्या इलाज है? कोई DLR होती है इनकी लिस्ट, ये उसमें है। जो बंदा 3 लाख कर्जा नहीं दे सकता, ये 50,000 लिया होगा इसने, सूद दर सूद जो 3 लाख हो गया, वो अब इसके लिए वकील कहां से करेगा? आप इंसाफ की बात करते हैं जनाब स्पीकर, यहां तो इंसाफ खरीदना पड़ता है गरीब को। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफजल ढांडला साहब, शुक्रिया जनाब स्पीकर। कहां कातिल बदलते हैं, फकत चेहरे बदलते हैं। कहां कातिल बदलते हैं, फकत चेहरे बदलते हैं। अजीब अपना सफर है, फासले भी साथ चलते हैं। और वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक पहुंचती हो, वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक पहुंचती हो, ना वो सूरज निकलता है ना अपने। शुक्रिया जनाब स्पीकर। पहले भी मैंने तकरीर की थी कि हमें अपने इज्तमाई रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जब से बना है, हर आने वाली हुकूमत ये कहती है कि मुल्क नाजुक मोड़ पे खड़ा है। 70 साल में हम उस मोड़ को नहीं क्रॉस कर सके। जनाब स्पीकर, अब तो कितने वजीर खजाना है, हर हुकूमत के साथ कोई दो चार नए वजीर खजाना आते हैं। और जो भी वजीर खजाना आता है, अब तो आने वाले से खौफ लगता है कि पता नहीं ये कौन सा एजेंडा लेके आ रहा होगा और कौन सी मुसीबतें अवाम के लिए लेके आ रहा होगा। हर बजट में ये कहा जाता है, जिस तरह जहन को जंजीर से डर लगता है, पीर व मुर्शिद हमें हर पीर से डर लगता है। और मकतबा फिक्र की बोहतात जहां होती है, तर्जमा ठीक है तफसीर से डर लगता है। ये जो उसकी तफसीर करते हैं बजट की, जो भी वजीर खजाना कहता है ये जो हम टैक्सेस लगा रहे हैं इनका गरीबों पे कोई असर नहीं होगा, इनका अमीरों पे असर होगा। लेकिन हमेशा ये देखा है कि एंड ऑफ द डे सफर वही गरीब करता है और उसी पे ही असर होता है। अब वजीर खजाना इसहाक डार साहब जब तशरीफ लाए, हम बड़े खुश हुए कि शायद इनके पास हमारे दर्दों का कोई इलाज हो, कोई मदावा हो। लेकिन वो है बज़्म में इतना तो सबने देखा मीर, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही, ना गैस रही है ना बिजली रही है। और वो इतनी महंगी कर दिया कि गरीब का घर तो अब वो बल्ब नहीं जला सकता, क्योंकि उस एक बल्ब के जलाने का जो बिल है उसका 2,000 से कम नहीं आता, तो वो मेरे ख्याल में अंधेरे में ही बैठेगा। और जनाब स्पीकर, मैं हमारी बदकिस्मती ये है कि यहां ज़राअत की पॉलिसी बिजनेसमैन बनाता है या इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है, और गरीब की पॉलिसी हम अमीर लोग बनाते हैं। ना जिसने कभी गुर्बत देखी है वो गरीब की पॉलिसी क्या बनाएगा। और जिसने ज़राअत में, मैं अपने किसी भी वजीर खजाना से पूछता हूं कि वो कभी नंगे पांव खेत में चले हैं, किसी खेत में गए हैं जिंदगी में कभी, तो वो क्या पॉलिसी बनाएंगे। अभी कल वजीर खजाना साहब ने फरमाया कि हमने अरबों का पैकेज दे दिया एग्रीकल्चर को। मैं यहां थल के काश्तकार की तर्जमानी पता नहीं कितने सालों से कर रहा हूं कि उनका कर्जा माफ करें। ये मेरे पास 2 नोटिस हैं जो मैं लेके आया हूं, एक का कर्जा है 3,20,000 और एक का कर्जा है 3 लाख, और बैंक ने उसे नोटिस दिया है कि आप इतने सालों से ये कर्जा नहीं दे रहे तो आपकी जमीन नीलाम करने जा रहे हैं। अब ये बैंक की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गए, आपकी किसी पॉलिसी में से ये हिस्सा नहीं ले सकते जिसकी जमीन बिक रही है। ऑन द ग्राउंड आपको पॉलिसी का पता ही नहीं है, तो आप उस गरीब का जो भी अरबों रुपए के पैकेज आते हैं वो फिर आके फिर सरमायादार तक पहुंचते हैं, गरीब तक नहीं पहुंचते। इन गरीबों का क्या इलाज है? कोई DLR होती है इनकी लिस्ट, ये उसमें है। जो बंदा 3 लाख कर्जा नहीं दे सकता, ये 50,000 लिया होगा इसने, सूद दर सूद जो 3 लाख हो गया, वो अब इसके लिए वकील कहां से करेगा? आप इंसाफ की बात करते हैं जनाब स्पीकर, यहां तो इंसाफ खरीदना पड़ता है गरीब को। इनके पास
वकील की फीस के पैसे नहीं है। अगर 3 लाख होता तो ये अपना कर्जा उतारता, वकील की फीस ये कहां से लेगा। तो किसी मेरे चीफ जस्टिस ने, किसी आने वाले जज ने कभी इस पे सुओ मोटो नोटिस लिया है कि गरीब को यहां इंसाफ खरीदना पड़ता है, करोड़ों रुपए वकीलों की फीसें हैं, इस पे कभी सुओ मोटो नोटिस लिया गया? नहीं लिया गया। इसलिए जनाब स्पीकर, सरेकी में आ दिन भी मंजी या बीड़ी हो, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ सिम्बियोसिस है, मफाद परस्त तबके एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, वकील और जज एक दूसरे का हिस्सा हैं। इस गरीब को कौन इंसाफ देगा? लिख पढ़ टिकटां ते कागजां दे बहाने लगसन, एक कचारी ये था आने नुआने लगसन, और छड़ा मकतूल द चोला ना दिखा मुनसिफ को, छड़ा मकतूल द चोला ना दिखा मुनसिफ को, इसके इंसाफ जो चाहने तो खजाने लग से, खजाने तो गरीब के पास नहीं। तो इन अदालतों का, इस इंसाफ का क्या फायदा जो गरीब को इंसाफ ना दे सकता। मोहतरमा सायरा बानो साहेबा, शुक्रिया जनाब स्पीकर। वो आपने कहा ना सलाउद्दीन भाई के शादी ब्याह महंगे हो गए हैं, तो इसका आसान तरीका है कि खामोशी से कर लें, 4 साल बाद मीडिया निकाल लेगा, पता ही ना चले किसी को। स्पीकर साहब, कल तो आए इसाक साहब और एक बम गिराकर चले गए, तो उनको वो रुके भी नहीं, आपने मुझे वक्त भी नहीं दिया। उनको तो मुबारकबाद पेश करनी थी यहाँ आने पर कि 4 साल कैदो बंद की सहूबतें उठाईं, और उसके बाद वो आए और यहाँ पर हमें भले बम ही गिराया मगर अपना चेहरा दिखा दिया। जी मोहतरमा सायरा बानो साहब, नहीं वो मैंने कहा शायद जरूरी बात है, मैं भी सुनूं कि कौन सा वो। तो जनाब स्पीकर, इधर जिससे भी पूछा उन्होंने कहा कि भाई ये जो IMF से मुआहदा हुआ है ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है और ये है वो है, तो मैंने भी कोई तनकीद नहीं करनी थी। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होता तो नहीं देख सकते, हालांकि गो के इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, तो लेकिन मैंने सिर्फ वज़ीर ख़जाना साहब को एक रिक्वेस्ट करनी थी कि 15 और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा दें। आप मुझे बजट बना कर दिखा दें, मैं आपको इसको भी मैं आपको वोट दूंगी और आइंदा आने वाले आपके फैसलों को भी मैं सेकंड करूंगी। सर ये कौन सी बात है कि आप आए, आप जिस दुख तकलीफ और कर्ब से गुजरते ही नहीं हैं, जिस उससे गुजरते ही नहीं हैं, और आप यहाँ पर आके भाषण देते हैं कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपने लिए करें ना, अपने लिए क्यों नहीं करते? आवाम को सादगी का दर्स दिया जा रहा है, इनके एक एक लिबास और इनकी अशिया जो इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों का आपको अंदाज़ा है? डेली एक फोटो शूट आता था 15 लाख रुपए का कोट, 10 लाख का जूता, 15 लाख का स्काफ, ये एक पाकिस्तान जो डिफॉल्ट हो रहा है, वेंटिलेटर पर है, उसकी आवाम को ये मजाक, एक तस्वीर ट्विटर पर डेली शेयर होती थी। मुझे सिर्फ एक 50,000 वाले के जीने का हक छीन लिए हैं उन लोगों से। आप मुझे बताएं कि ये पेट्रोल के लिए यहीं पर ही थे।